लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बंपर जीत से अखिलेश यादव का जोश हाई है और अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। आज समाजवादी पार्टी दफ्तर पर हुई बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ेंगे और दिल्ली जाकर केंद्र की राजनीति करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर यूपी में फिर नेता विपक्ष कौन होगा? आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ बंपर जीत हासिल की, जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुंचाया, अब उसी एनर्जी के साथ वो सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। दरअसल अखिलेश यादव कभी केंद्र तो कभी प्रदेश की राजनीति में दाव आजमाते रहे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें पहले कभी नहीं मिली। अखिलेश यादव 5वीं बार सांसद बने हैं, 3 बार कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता, फिर आजमगढ़ लोकसभा छोड़ दी थी, एक बार फिर कन्नौज से सांसदी लड़ी। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है वो करहल छोड़ कन्नौज के रास्ते दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे, तो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अब करहल सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव संभाल सकते हैं। शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य है। राम अचल राजभर जो कि अंबेडकर नगर से विधायक हैं, उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनमें वरिष्ठतम सदस्य शिवपाल सिंह यादव ही हैं। ऐसे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष की कुर्सी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही देंगे। पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलने वाले अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीडीए से ही बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का है, बाद में किसी और का, और कुछ ऐसा ही मैसेज शिवपाल यादव भी देते रहे हैं। समय अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा से ज्यादा जीती है, तो अगर आज नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके चुनाव कराए जाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ाई है, तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। यानी अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में सहयोगियों की भागीदारी को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी समाजवादी ही है और पार्टी को इस मुकाम पर पहुँचाने वाले अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सैफाई पहुंचे अखिलेश यादव ने लोगों से मुलाकात की, तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दों की जीत हुई है, लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। तो चुनाव में पीडीए की जीत हुई है, यह कहा अखिलेश यादव ने, और साथ ही यह भी कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने ये बातें कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे साथ मौजूद, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, ठीक एक हफ्ते पहले जो रिजल्ट आया था, आपने उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा, नया पन्ना इतिहास में आपने जोड़ दिया, कैसे इतिहास बनाना संभव हो पाया सर? देखिए, चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने ये महसूस किया कि उसका संविधान, उसके हक अधिकार खतरे में हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। जहां हम लोग खड़े हैं, फरक्काबाद बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रशासन ने और खास करके वहां के जिलाधिकारी ने, जिलाधिकारी पर क्या दबाव रहा होगा, जिलाधिकारी ने क्या समझा होगा, क्या बेईमानी रही होगी जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उसने जानबूझ करके हराया। ये बातें भूलने वाली नहीं है कि जो अधिकारी अपने पद पर रह करके, जिसको सब भरोसा करते हैं कि आईएएस हैं, आप अधिकारी हैं, निष्पक्ष करेंगे, निष्पक्ष तरीके से फैसला देंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि जिलाधिकारी और वहां के प्रशासन पे न जाने किस बात का दबाव था कि जहां समाजवादी पार्टी जीती उसको हरा दिया। न केवल फरक्काबाद में, अलीगढ़ में भी यही घटना हुई है, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, न जाने क्या क्या करा प्रशासन ने, उसके बाद परिणाम बदल दिया। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम वोटों से हारे, बांसगांव के लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब देख रही है, आने वाले समय में इन सबको लाखों लाखों वोट से जनता जिताएगी। ये बेईमानी भी करना चाहेंगे तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। आपके पास संसाधन कम थे, टर्निंग प्वाइंट कौन सा मानते हैं आप इलेक्शन में, टर्निंग प्वाइंट कौन सा प्वाइंट था जहां से इलेक्शन बिल्कुल उलट गया और आपके पक्ष में आ गया? देखिए, जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, चाहे वो डबल इंजन की सरकार रही हो, ट्रिपल इंजन की सरकार रही हो, दिल्ली वाले रहे हो, लखनऊ वाले रहे हो, जनता मन बना चुकी थी कि उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे, और जो बड़े बड़े झूठे वादे इन्वेस्टमेंट में किए थे, कम से कम जमीन पे इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा।